अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई होप यू विल बी फाइन विद ग्रेट एंड गुड हेल्थ क्लास सेवन सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेजेंटेड बाय आमना महमूद टुडे द टॉपिक ऑफ अंडर डिस्कशन इज दैट ट्रांसपॉर्शन आप ट्रांसपॉर्शन के बारे में जानते होंगे हमने जो है ये अब पोर्शन हम पढ़े ट्रांसपोर्टेशन हम प्लांट्स में कैसे होती है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होती है तो ट्रांसपॉरेशन इसका एक पॉइंट है जिसमें वेपरेशन होती है वेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज द मेन फोर्स ठीक है कि जो वेपोरेशन होती है वाटर की लीव से वो मेन फोर्स विच मूव थ्रू वाटर थ्रू अ प्लांट इसमें से वाटर जो है वो प्लांट में मूव करता है प्लांट के जरिए मूव करता है यानी कि उसकी अगर हम सॉयल हैं ठीक है ना सॉयल को पानी देते हैं मिट्टी को क्योंकि पौधा उसमें ही उगता है कोई भी ट्री या प्लांट प्लांट उसमें ही जो है वो ग्रो करता है तो हम तो प्लांट को पानी देते हैं तो वो मिट्टी में जाता है जैसे ऐसे अब सॉयल से फिर वाटर जो है वो प्लांट में मूव करता है उसने इसी की बात की है द वेपरेशन ऑफ वाटर फ्राम लीव कॉल्ड ट्रांसपारेशन के जो वेपरेशन ये वेपोरेशन जो है वाटर की लीव से उसको हम कहते हैं ट्रांसपारेशन नेक्स्ट प्रोसेस है इसका नेक्स्ट स्टेप है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपारेशन ट्रांसफरेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है इट कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्राम सॉयल टू द लीव्स ये लीव से जो है वो ये सॉयल से लीव्स तक जो है वाटर को और मिनरल्स को ले जाता है ठीक है क्योंकि वेपरेशन जो होती है वाटर की लीव से तो वो पानी कहाँ से आएगा वो सॉयल से ही आएगा ऊपर की तरफ लीव्स तक ये सेल को टर्जिड रखते हैं यानी कि तनाव होता है इसमें द वेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स कीप्स द कूल हॉट वेदर को कूल cool रखते हैं आपने देखा होगा कि जब हम घास पे चलते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक अगर आप करें तो घास पे चलते हैं तो वो गीली होती है वो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ठीक है ठीके? शबनम के कतरे वो इनकी वेपरेशन ही होती है यानी कि उनकी ट्रांसपरेशन ही होती है लीव से पानी निकल रहा होता है ठीक है ये इस तरह है कि उसको वो जो हमारे पास वेदर है हॉट वेदर है यानी कि अगर गर्म मौसम उसको ये ठंडा रखती है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास फ्लॉम टिशू फ्लॉइम टीशू क्या होते हैं फूड सब्सटेंस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स जो फूड सब्सटेंस है वो बनती हैं लीव्स में और फिर ट्रांसपोर्ट लीव से ट्रांसपोर्ट होती है जो प्लांट्स के अदर पार्ट हैं उधर तक ठीक है फ्लॉम टिश्यू के जरिए फ्लॉय टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें जो है वो लीव से फूड के सब्सटेंसेस यानी कि फूड जो है वो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक ट्रांसपोर्ट होती है नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अदर मैनुफेक्चर फूड सब्सटांसिस कि जो शुगर है और जो अदर फू मैनुफेक्चर फूड सब्सटांसिस हैं वो लीव से स्टोरेज एरिया की तरफ जाते हैं एंड ग्रोइंग पॉइंट इस कार्ड और जो ग्रोइंग पॉइंट है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन के अब पहले तो हमें था ना कि फूड सब्सटांस अब इसमें जो है वो ट्रांस है फूड की भी और दूसरे शुगर की भी और फूड जो है वो फूड की भी लीव से स्टोरेज एरिया तक के स्टोर हो जाए और इनकी ग्रोइंग पॉइंट्स को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज कैसे होते है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है ऑक्सीजन लेती है कार्बन डाइऑक्साइड देती है इस तरह का जो है गैशियस एक्सचेंज हमने प्लांट्स में देखना है ऑल प्लांट्स ब्रीथ थ्रू आउट द डे एंड नाइट कहते हैं सारे प्लांट जो हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू आउट द डे में और नाइट में ठीक है द टेक इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं ये सब प्लांट्स में हैं अगर हम डे टाइम में देखें तो ड्यूरिंग डे टाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड अगर डे टाइम में देखें तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्रोड्यूस करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन के नहीं कि रेस्पिरेशन जैसे कि हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे और इस ये जो है वो फिर फोटोसेंथिसिस के लिए यूज़ हो जाएगी रेस्परेशन से क्या हुआ ग्रीन प्लांट जो जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास हम कहते हैं ना कि कार्बन डाई हम लोग सांस लेते हैं यानी कि रेस्परेशन का प्रोसेस होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसेंथिसिस के लिए फिर ऑक्सीजन बनाते हैं और वो हमको ऑक्सीजन जो है वो यूज़ कर लेते हैं इट कैन नॉट बी नोटिसेबल पर हम इसको इतना नोटिस नहीं करते नेक्स्ट है हमारे पास एटमोसफेरिक एयर एटमोसफेरिक एयर इंटर्स द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो लीव्स ग्रीन प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना उनमें एंटर हो जाती है स्टोमेटा के जरिए ग्रीन प्लांट्स में लीव्स में एक स्टोमेटा होता है उसके जरिए जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर इनमें दाखिल हो जाती हैं ठीक है दैट यूजली अक्कर अब जो है कहते हैं दैट यूजली अक्कर अबंडेंटली ऑन लोअर सर्फेस ऑफ द मोस्ट लीव्स लीव्स के लोअर सर्फिस पर होते हैं स्टोमेटा जिसके थ्रू जिसमें से एटमोसफेरिक एयर जो है वो उसके अंदर दाखिल हो जाती है अगर हम देखें तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तब क्या होता है टा और ओपन एयर पासिस थ्रू द एयर जो है इसमें से पास हो जाती है और जो इंट्रा सेलोअर स्पेसिस में भी दाखिल हो जाती है सारे ही लीवर स्पेसिस में भी दाखिल हो जाती है और विच ऑल ऑफ विच आर कनेक्टेड विदिटे तो दो एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है देखिए मेरी बात जब स्टोमेटा लीव्स का स्टोमेटा ओपन होगा तभी उसमें एयर जो है वो एटमोसफेयर यानी कि बाहर की जो एटमोसफियर की एयर है वो एटमोस्फिर एयर उसको हम कहते हैं तो तभी वो अंदर जाएगी ना अगर एटमोस्फिर एयर कभी भी उसमें दाखिल एंटर नहीं हो सकती जब स्टोमेटा बंद हो तो इस तरह और कहते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी होते हैं रेस्पारेशन में क्या होता है सांस लेने के दौरान द ऑक्सीजन इन द एयर दैन डिफ्यूज इन टू द सेल्स ऑफ लीव्स के सेल्स में डिफ्यूज़ हो जाती हैं एंड यूज फॉर रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज मतलब कि ऑक्सीजन जब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन ऐड होती है क्योंकि रेस्पिरेशन में ही होता ना ऑक्सीजन आर ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर एनर्जी जो है वो इस रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में एनर्जी को हम रिलीज़ करते हैं ठीक है जो पौधे हैं वो रिलीज़ करते हैं ठीक है थीके? समझ आ रही है आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑक्सीडाइज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और वाटर एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है फिर हमारे पास है पॉइंट्स कुछ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन फ्राम डिफ्यूज फ्राम द लीव सेल लीव सेल से डिफ्यूज होती हैं टू द इंटर सेलोर स्पेसिस में जाती हैं और फिर दोबारा वो कहते हैं थ्रो स्टोमेटा जो है वो सराउंडिंग एयर में निकल जाती है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहती है पहले कहाँ क्या, क्या हुआ उस वो गई लीव सेल्स में ठीक है डिफ्यूज़ हुई फिर वहाँ से वो इंटर सेलोलर स्पेसिस में गई और जो है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल गई ठीक है अब ये है कि जो पोर्शन है ये जो है वो रिटेंट रहता है सेल के अंदर और यूज फॉर फोटोसेंथिसिस इस तरह फोटोसेंथिसिस होती रहती हैं ग्रोइंग एरिया एज बर्ड्स हैं जर्मिनेटिंग सीड्स हैं स्टेम्स हैं रूट टिप्स हैं ये सारे क्या करते हैं इस तरह ही रिस्पायरेशन करते हैं ये रेस्पायरेशन जो है वो प्लांट्स की रेस्पायरेशन बताई हुई है ठीक है ना तो अगर मैं आपको एक थोड़ा सा जो है बताऊँ तो इसमें ये भी होता है ना कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकालते निकालतेल करते हैं और ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं तो ये बहुत अहम अहम जो है वो प्रोसेस होता है और देखें मेरी बात उन्हें जो प्लांट्स हम उसको कहते हैं कि ऑटोट्रॉप्स हैं खुद अपनी क्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं हम इन पर डिपेंड करते हैं वो डिपेंड नहीं करते किसी पर हम उन पर डिपेंड करते हैं तो वो ऑटोट्रॉफ्स और हम हैट्रोट्रॉफ्स हैं बच्चों आई होप जो है वो आपको समझ आई होगी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने अपनी मुझसे भी पूछ लेना अपनी बुक से रिलेट करें बहुत ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसको देखें और समझें ओके बच्चों अल्लाह हाफिज़